नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 मई दिन शुक्रवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मटन पार्टी पर हो रहे सियासत के बीच ललन सिंह ने कही ये बात। देर रात मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश से मिलने पहुंचे तेजस्वी। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार को जातीय जनगणना मामले पर साधा निशाना। जदयू ने ममता बनर्जी के इस बयान का किया समर्थन। डिप्टी सीएम का पद पाकर खुश है या दुखी के सवाल पर शिव कुमार ने दिया ये जवाब। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। मटन पार्टी पर हो रहे सियासत के बीच ललन सिंह ने कही ये बात। जब से जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मटन पार्टी महागठबंधन नेताओं को दिया, तब से यह राजनीति का मुद्दा बना हुआ है। लगातार विपक्षी पार्टी इस मटन पार्टी को लेकर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा लगातार मटन पार्टी को लेकर हमला बोल रहे थे। अब इसको लेकर स्वयं ललन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ही मीडिया से बातचीत के दौरान इशारों में हमला करते हुए कहा कि छूट भैया, नेताओं को हम जवाब नहीं देते हैं, ऐसे लोगों के बयान को हम नोटिस नहीं करते। वहीं कानून का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अनर्गल बात कोई कहेगा तो लीगल नोटिस तो जाएगा ही, यह कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी कार्यवाही तो होगी। डिप्टी सीएम का पद पाकर खुश है या दुखी के सवाल पर शिव कुमार ने दिया ये जवाब। कांग्रेस पार्टी में सर्वसम्मति के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री के चेहरा साफ हो गया है। दो चेहरों में मुख्यमंत्री पद के लिए चल रहे रस्साकसी के बीच सिद्धारमैया को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री के लिए डीके शिवकुमार के नाम की घोषणा की गई। हालांकि डीके शिवकुमार ने पहले उप मुख्यमंत्री पद पर आने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वे खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए योग्य मानते थे। लेकिन बाद में वे उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी हो गए। जब शिवकुमार से मीडिया द्वारा यह सवाल किया गया कि वे इस पद को पाकर खुश है या दुखी, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे दुखी क्यों होना चाहिए, अभी लंबा रास्ता तय करना है। पार्टी में सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा हम उसे स्वीकार करेंगे। जो भी फॉर्मूला बनाया गया है पार्टी के हित में, हम सभी उसे स्वीकार करते हैं। देर रात मुख्यमंत्री आवास पर नीतीश से मिलने पहुंचे तेजस्वी। बीते ही दिनों देर रात एक अन्य मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ बिहार सरकार में मौजूद कई मंत्रियों को भी देखा गया, जिनमें संजय झा और विजय चौधरी भी मौजूद थे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। साथ ही बागी नेता आरसीपी सिंह, जो अब बीजेपी में शामिल हैं, वे जदयू पर लगातार हमले बोल रहे, इसे लेकर उनके डैमेज कंट्रोल पर बात होने की खबर मिली। मिली जानकारी के अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री 20 मई को शपथ ग्रहण लेने वाले हैं, जहां नीतीश कुमार भी जा सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण में शामिल होने का आमंत्रण नीतीश को भी आया था। शपथ ग्रहण में जाने के बाद विपक्षी एकजुट और आगामी लोकसभा पर भी चर्चा की जा सकती है। इस वजह से फडणवीस ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहा वे पद छोड़ने को भी है तैयार। इन दिनों महाराष्ट्र के दो दिनों के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए हुए हैं। महाराष्ट्र आए नड्डा जब महाराष्ट्र प्रदेश समिति की बैठक में पेश हुए, तब उनके साथ मौजूद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। दरअसल उन्होंने कहा कि वे पद छोड़ने को तैयार है, एक साल के लिए घर भी छोड़ने को तैयार है। आगे उन्होंने मौजूद सभी कार्यकर्ता पार्टी नेताओं से कहा कि वे भी एक साल तक हर तरह के त्याग के लिए तैयार रहे। बता दें कि फडणवीस ने कार्यकर्ताओं से ये बातें आगामी लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी एनसीपी और ठाकरे गुट को मात देने के लिए ये बातें कही। साथ ही इस दौरान उन्होंने महाविकास अघाड़ी की कांग्रेस एनसीपी और ठाकरे गुट पर जमकर निशाना भी साधा। राजद नेता ने धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र को लेकर कही ये बात। जब से धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने की बात शुरू हुई थी, उसी वक्त से महागठबंधन के नेता बीजेपी को निशाने पर रख रहे थे। कई बार तो उनके द्वारा यह भी कहा गया था कि बीजेपी धीरेन्द्र शास्त्री के एजेंट है, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। लेकिन अब इसी बीच राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का लिखित बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि लालू और नीतीश भले ही संविधान बचाओ का शोर मचाते रहे, लेकिन अपने एक वाक्य से धीरेन्द्र शास्त्री ने 5 करोड़ लोगों को अपने खेमे में बहाल कर लिया है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी बाबा को आगे रखकर बिहार को फतह करना चाहती है। बाबा बागेश्वर बिहार जैसे राज्य में अपना काम कर गए हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले संकल्प को लेकर उन्होंने कहा कि अगर संविधान को मिटाकर देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में रूपांतरित कर दिया गया तो वंचित समाज के लोगों की स्थिति गुलामों से भी बदतर होगी। नए संसद भवन को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर साधा निशाना।
नए संसद भवन निर्माण की चर्चा जोरों शोरों से देखने को मिल रही थी, लेकिन अब यह भवन बनकर भी तैयार हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री 28 मई को करने वाले हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। दरअसल उन्होंने नए संसद भवन की तस्वीर को शेयर करते हुए कहा है कि खुद ही इस बिल्डिंग के आर्किटेक्चर डिजाइनर और वर्कर है, खुद 28 मई को इस बिल्डिंग का उद्घाटन भी करेंगे। यह तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है कि यह पीएम का पर्सनल वैनिटी प्रोजेक्ट है। अश्विनी चौबे ने धीरेन्द्र शास्त्री का अपमान करने वालों की कुत्ते से की तुलना। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार से जाने के बाद भी उन्हें लेकर राजनीतिक बयानबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के चार्टर्ड प्लेन से एपी वापस जाने को लेकर जदयू और राजद द्वारा सवाल उठाए गए थे। इसे लेकर अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जो लोग बाबा का अपमान कर रहे हैं वह सब कुत्ते के समान है और बाबा हाथी के समान है जो चलते हुए हाथी पर भौंकते रहते हैं। जो लोग बाबा पर भौंक रहे बाबा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। पोस्टर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में युवा संत का अपमान हुआ है, उसके पोस्टर फाड़े गए हैं, उसके पोस्टर पर काली पोती गई है, बिहार के भक्त इसका बदला लेंगे। आगे उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ऐसे लोगों को चक्का लगाकर समुद्र में फेंक देगी। नवीन पटनायक के इस बयान के बाद विपक्षी एकजुटता को मिला झटका। विपक्षी एकजुटता की मुहिम को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों देश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे बीते कुछ दिनों पहले ही ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मिलने गए थे, लेकिन उनसे मिलने के बाद विपक्षी एकता को झटका लगा। दरअसल नवीन पटनायक ने विपक्षी एकता की मुहिम में शामिल होने से मना कर दिया। अब नवीन पटनायक की तरफ से एक बयान सामने आया है जहाँ ओडिशा में हो रहे विकास कार्य को लेकर पीएम मोदी की चर्चा करते नजर आ रहे हैं। पुणे हावड़ा वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि आपके सहयोग और समर्थन से अगले 3-4 साल में यह एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा और खुद माननीय प्रधानमंत्री मोदी श्री छत्रपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आएंगे। पटनायक के इस बयान के बाद विपक्षी एकजुटता के अभियान को झटका लग सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार को जातीय जनगणना मामले पर साधा निशाना। जातीय जनगणना मामले में अदालत की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद विपक्षी लगातार बिहार सरकार को घेरे में ले रही है। अब इसी बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। दरअसल बिहार सरकार को घेरे में लेते हुए उन्होंने कहा है कि यह बिहार सरकार की बड़ी विफलता है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पक्ष भी सही तरीके से नहीं रखा जा सका। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करना जानती है। उन्होंने कहा कि अगर हाईकोर्ट में भी अपना पक्ष सही तरीके से रखती तो निश्चित तौर पर कोर्ट की तरफ से सकारात्मक निर्णय आता। जातीय जनगणना मामले को लेकर राज्य सरकार से जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यही कारण है कि न्यायालय की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई। ब्रिजभूषण के रैली में 11 लाख लोगों के आने का दावा। महिला पहलवानों द्वारा बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, जिसे लेकर आज भी जंतर मंतर पर महिला पहलवान धरने पर बैठी है। अब इसी बीच खबर आई है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह आने वाले 5 जून को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मौजूद रामकथा पार्क में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। ब्रिजभूषण इस दौरान शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इसी रैली को लेकर अब ब्रिजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि संजीव सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महारैली में देश भर के बुद्धिजीवियों से इस बात पर चर्चा होगी कि गंभीर अपराध मामलों में कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करने वालों से कैसे निपटा जाए। वहीं उन्होंने इस बात का दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के साथ साथ बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अलावे अन्य राज्यों से भी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा और इस रैली में 11 लोगों को एकत्र करने का लक्ष्य है। आगे उन्होंने महिला पहलवानों को लेकर अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि जो लोग दबाव की राजनीति कर रहे हैं और कानून की खामियों का दुरुपयोग कर चरित्र हनन कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए ताकि कोई भी कानून का उपकरण के रूप में इस्तेमाल न कर सके। जातीय जनगणना मामले में चिराग ने नीतीश कुमार को दी नसीहत। एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जातीय जनगणना मामले पर बिहार सरकार को झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और अब 14 जुलाई को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएगी। अब इस मामले के बाद लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि नाखून कटवाकर नीतीश शहीद होना चाहते हैं। नीतीश कुमार ही नहीं चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो क्योंकि महागठबंधन सरकार में इससे नीतीश कुमार और जदयू दोनों को नुकसान होगा। अगर उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि जातीय जनगणना के पक्ष में जो भी पार्टी थी उसके साथ एक बार नीतीश कुमार को बैठक करनी चाहिए थी, वह भी पहुंचते और अपना सुझाव देते, सही तरीके से न्यायालय में पक्ष रखा जाता, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। कर्नाटक जीत के बाद अब यूपी में नए चुनावी समीकरण बनाने की तैयारी में कांग्रेस। कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसे कांग्रेस द्वारा नामित कर दिया गया है। अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में देश से कई विपक्षी पार्टियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल है। लेकिन इसी बीच शपथ ग्रहण समारोह में बसपा की अध्यक्ष मायावती को आमंत्रण मिलने की कोई खबर सामने नहीं आई। कर्नाटक में अपनी जीत का परचम लहराने के बाद कांग्रेस का ध्यान अब उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव पर है, जहां कांग्रेस नए सियासी समीकरण पर
ध्यान दे रही है। अब अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए जा रहे लोगों के जरिए ही कांग्रेस ने नए समीकरण के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि अखिलेश यादव यूपी में पहले किसी भी दल से गठबंधन करने को तैयार नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद उनका रवैया अब नर्म पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बात का पता अखिलेश यादव के हालिया बयान से लगाया जा सकता है, जहाँ अखिलेश यादव कांग्रेस का समर्थन करते नजर आए। जदयू ने ममता बनर्जी के इस बयान का किया समर्थन। जदयू ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के कांग्रेस को लेकर दिए गए बयान, जो कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर था, उसका समर्थन किया गया है। दरअसल ममता द्वारा कहा गया था कि जिन राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, आगामी आम चुनाव में वे उस राज्य में विपक्षी एकता का नेतृत्व करेंगे। हालांकि कांग्रेस इस बात को लेकर सहमत नहीं थी। वहीं जदयू नेता केसी त्यागी द्वारा कहा गया कि यही नीतीश कुमार की विपक्षी एकता का फॉर्मूला है। हमें खुशी है कि फॉर्मूला अस्तित्व में आ रहा है। कानून मंत्रालय वापस लिए जाने पर किरेन रिजिजू का बयान आया सामने। बीते ही दिनों केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय वापस लिए जाने की खबर सामने आई थी। किरेन रिजिजू की जगह अर्जुन मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया गया। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और मेघवाल बीजेपी पार्टी में राजस्थान से एक बड़ा दल चेहरा है, जिस वजह से यह फेरबदल करने की खबर सामने आई है। हालांकि विपक्ष के कई नेता इस फेरबदल को लेकर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं, जहां एक नेता ने तो नाकाम मंत्री भी करार दे दिया। हालांकि इन आलोचनाओं पर अब किरेन रिजिजू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी इससे पहले भी मुझे कई अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी दे चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि विभाग लेकर मुझे कोई सजा नहीं दी गई है। मोदी सरकार ने स्पष्ट दृष्टिकोण के तहत उन्हें दूसरे विभाग का जिम्मा सौंपा है, वे इसे ठीक से चलाएंगे। आरसीपी सिंह ने ललन सिंह के मटन पार्टी पर उठाया सवाल। जदयू से बीजेपी में जा चुके नीतीश कुमार के करीबी नेता ने ललन सिंह के मटन पार्टी और जदयू के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि ललन सिंह इस बात से खुश हैं कि नीतीश कुमार एकाकी जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबको पता है 14 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पत्नी मंजू देवी की पुण्यतिथि है। वर्ष 2007 में 14 मई को ही नीतीश के पत्नी का निधन हुआ था। तब से वह कंकड़बाग और अपने गाँव कल्याण बेघा जाते हैं और अपनी पत्नी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं। पार्टी के नेता भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आगे उन्होंने मटन पार्टी की चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश की पत्नी के पुण्यतिथि के दिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मटन पार्टी का भोज देना बहुत गलत बात है। अब तक जदयू में ऐसा नहीं हुआ था। आगे जदयू के कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जदयू अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। ललन सिंह के व्यवहार से तो ऐसा लग रहा है कि 14 मई को वह खुशी मना रहे थे। फिलहाल आज के राजनीतिक जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है, जिनमें वर्ष द्वारा हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है। उनके नाम है महेंद्र कुमार, अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, रविशंकर, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार में जदयू नेता ललन सिंह के मटन पार्टी पर सियासी बवाल देखने को मिल रहा, आपकी इस पर क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।